नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सामने जो है बड़े वाले पॉट में जो ये वाला जो पौधा लग रहा है गमले में, ये बोगनविलिया का पौधा है। आप देखेंगे वहाँ पर उसमें फूल भी आ रहे हैं लाइट पिंक कलर के। तो ये जो है इस साइड जो है बहुत ज़्यादा देखेंगे वहाँ पर नहीं ग्रो हो रहा, लेकिन इस साइड जो है ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो इसको जो गोल काटेंगे उसके लिए क्या है कि मेरे पास ये देखिए आप प्रूनर जो प्रूनिंग कटर होता है, जो प्रूनर होता है उससे भी आप कर सकते हो। नहीं तो मेरे पास जो है ये मैंने बड़ी कैची ले रखी है, क्योंकि मेरे पास ये फाइकस के भी बड़े पेड़ लग रहे हैं। तो ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे होंगे तो इनको भी दिखाऊंगा। पहले इसको जो है मैं तो आप ये देखेंगे ये मैंने जो है प्रून कर दिया है, और अब मैं आपको थोड़ा सा पास ले जाके दिखाऊं। ये देखिए, ये देखिए, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ ये जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो जगह है ये जगह बिल्कुल खाली है इसकी, यहाँ पर कुछ नहीं है। क्योंकि पहले ये जो पौधा था ऐसी जगह रखा था कि पीछे दीवार थी, तो जो जिसने भी ग्रोथ की है इसने वो आगे की तरफ ग्रोथ की है। अब जो है हम तो ये प्रूनिंग हो गई है, अब इसकी ज़्यादा मैं प्रून नहीं करूँगा क्योंकि फिर जो है वो हो जाएगा अच्छा नहीं लगेगा। तो अब जो है अब इस फाइकस को जो है प्रून करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कितना फैल रहा है, ये देखिए यहाँ से कितना फैल रहा है। अब आप ये देखें जो है बिल्कुल गोल हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है इधर से दिखाऊं तो ये देखिए बिल्कुल जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो छतरी जैसे होती है वैसे बन गई है। इसको जो है जहाँ से आपको लगे तो वहाँ इस कटर से, ये जो कटर है इस कटर से आप प्रून कर सकते हैं। जो नई ग्रोथ है वो सारी जो ग्रोथ हो रही है वो पत्ते जो नए पत्ते आ रहे हैं वो सारे काट दीजिए, और उसके बाद फिर ये देखिए फिर देखिए। दोस्तों, अब दूसरा पेड़, ये वाला जो पेड़ था आपने देखा, ये वाला जो पेड़ ये वाला जो था ये हो गया। अब जो है इसको करेंगे अब आप देख रहे होंगे कि ये भी ऑलमोस्ट गोल हो चुका है।
तो देखिए दोस्तों ये भी गोल कर दिया है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ से देखिए तीनों जो है लगभग लगभग मैंने वो वाला जो लास्ट वाला जो है वो वाला, ये थोड़ा सा जो है छोटा, हल्का सा छोटा रह गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैंने कोशिश की अब तीनों को एक साइज करने की। अब मेरा एक चौथा और बचा हुआ है, ये देखिए, ये नींबू का पेड़ है और ये आड़ू का पेड़ है, इसके बीच में लग रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं प्रून करना। तो दोस्तों ये आप देखेंगे, ये मैंने जो है थोड़ा छोटा कर दिया है। अब ये देखें, ये जो है मैंने बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ जो है आप अगर हम ये देखिए, ये नींबू है, बहुत अच्छी वैरायटी का नींबू, और ये भी बहुत अच्छी वैरायटी का आड़ू है। तो दोनों पूसा की वैरायटी हैं और बहुत ही अच्छा फल आता है। ये सीडलेस नींबू है और ये इसका फल आप विश्वास नहीं करेंगे, इस आड़ू का फल एक सेब के बराबर होता है, और इतना मीठा पेड़ पर जब पकता है और उसके बाद आप तोड़ के खाएंगे, अलग ही स्वाद होता है। तो इस वजह से ये मैंने जो है ये छोटा कर दिया, ताकि इन दोनों को पैरेलली जो है बढ़ने का मौका मिले, और हो सकता है फ्यूचर में मैं इसको जो है यहाँ से निकाल के जो है बॉन्जोई वाले पॉट में छोटे में लगाऊं, तो वो ज़रूर आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा, क्योंकि ये जो है बीच में इनकी ग्रोथ को रोक रहा है। तो इसीलिए देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ कितना छोटा कर दिया मैंने, और सारे जो है पत्ते मैंने इसके काट दिए, बहुत ज़्यादा मैंने छोटा कर दिया। उनकी कंपैरिजन में अगर आपको दिखाऊं मैं, तो बहुत छोटा कर दिया। ये देखिए तो ज़रूरी था, क्योंकि वो जो पेड़ दोनों थे मेरे अच्छे फ्रूट्स के, अच्छे पेड़ हैं, तो इसको भी उखाड़ने का मन नहीं करता मेरा, लेकिन फिर भी इसको मैंने कोशिश किया कि जितनी ज़्यादा छोटा रख सकूँ उसे रखूँ, और ताकि नींबू और आड़ू दोनों जो है बढ़ सके। तो दोस्तों ये एक अपडेट था, थैंक यू।